तो गाइस पहले बात कर लेते हैं फुकरा इंसान और एल्विस यादव के बारे में। तो रिसेंटली जब फुकरा इंसान और एल्विस यादव बात कर रहे थे तो फुकरा इंसान बोला कि जब बाहर जाऊंगा तब लोग क्या समझेंगे। उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए एल्विस यादव बोला, लोग क्या समझेंगे मतलब जिया के साथ अगर सेट हो गया तो। उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए फुकरा इंसान बोला कि अगर कुछ भी हो गया तो। फिर एल्विस यादव बोला जिया के साथ। फिर फुकरा इंसान बोला किसी के साथ भी। उसके बाद एल्विस बोला तो बढ़िया हो जाएगा। फिर फुकरा इंसान बोला कि मस्त हो जाएगा, फिर कर लो सेटिंग। फिर एल्विस यादव बोला कि जिया के साथ कर ले, तुझे पसंद तो है वो। उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए फुकरा इंसान बोला कि नहीं पर ठीक है। अब बात कर लेते हैं फुकरा इंसान और जिया शंकर के बारे में। तो कल फाइनली जिया शंकर फुकरा इंसान को प्रपोज कर ही दिया। दरअसल जब फुकरा इंसान और जिया शंकर बात कर रहे थे तब फुकरा इंसान जिया को बोला कि तू बाहर जाके मुझे थैंक यू का डीएम जरूर करेगी। फिर जिया बोली कि थैंक यू का डीएम क्यू, आई लव यू का डीएम भेजू तुझे। उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए फुकरा इंसान बोला कि वो तो यही भेज दे। फिर जिया बोली कि यह डीएम है नहीं तो मैं डायरेक्ट बोल सकती हूँ और मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ आई लव यू। उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए फुकरा इंसान बोला कि मजाक मजाक में इंसान अपना फीलिंग्स बोल ही देते हैं। फिर जिया शंकर बोली कि हाँ। ऑल्सो रिसेंटली जिया शंकर फुकरा इंसान का मैसेज भी कर रही थी और ये सब देख के लोग बोल रहे हैं कि जिया शंकर नॉमिनेट है और इसलिए वो ये सब कर रही है। बाकी इसके ऊपर आप लोगों का ओपिनियन क्या है कमेंट करके जरूर बताना। अब बात कर लेते हैं एल्विस यादव के फादर के बारे में। तो शायद आप लोगों को पता होगा रिसेंटली एल्विस यादव और अविनाश के बीच एक बहुत बड़ा फाइट हुआ। तो जब उसी के बारे में एल्विस यादव के फादर को पूछा गया तब उन्होंने कुछ यह कहा। अविनाश की और एल्विस भाई की जो भी लड़ाई थी हम अंकल से पूछे कि अंकल का ओपिनियन क्या है। अंकल आपने देखे थी लड़ाई? थोड़ी बहुत तो देखी होगी। थोड़ा सा मैंने। कैसा लगा आपको? बच्चे हैं आपस में कर रहे हैं, मेरे को तो ये लगा मस्ती कर रहे हैं भाई। मतलब मजा आया। उसने फिर बाद में सॉल भी बनाई एल्विस भाई को। हां तो लग रहा है कि भाई कुछ ऐसा हो रहा है। बाकी दोनों जवान बाढ़ के अपने बच्चे तो क्या दिक्कत है। वैसे उसको सॉल बनाई फिर एल्विस फिर उसमें छोटा सा एक पॉइंट मार रहे हैं कि बिल्ली को लात मारी वाला देखा हमने। अरे ये तो हंसी मजाक चलते रहते बच्चों में, इसमें बुरा मानने की बात ही नहीं है। बाकी तो कभी आपने कह दिया कभी मैंने कह दिया, चलता परिवार में जब रहते हैं एक परिवार में ही। घर में भी झगड़े होते हैं छोटे मोटे, इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई बहुत बड़े दुश्मन बन गए। दुश्मन तो खैर कोई भी नहीं है। एल्विस भाई तो यही जगह रहना है तो थोड़ा बहुत तो देखो चलता है यार। वो तो अपने हैं बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे आप देख रहे हो तो मजा आ रहा है आपको? मैं कभी कभी देखता हूँ, बाकी ठीक है। आप पैसे मिस कर रहे हो भैया को? भाई मिस तो मिस तो हो रहा चलो, लेकिन ये है कि खुशी भी है कि कुछ काम करने गया करके लौटे। और रिसेंटली इसी फाइट के ऊपर स्काउट भी उनके रिसेंट लाइव स्ट्रीम में रिएक्ट किया जहां पर उन्होंने कुछ यह कहा। यार मैं एक चीज देखा, मैं कोई होता नहीं हूँ, मैं इतना कोई बड़ा हूँ नहीं कमेंट करूँ इनमें। मैं बिग बॉस फॉलो नहीं करता। लास्ट टाइम मैंने बिग बॉस टाइम मेरा दोस्त करके मैंने फॉलो किया था। इस बार बिग बॉस में फुकरा इंसान के लिए गया हूँ क्योंकि फुकरा इंसान अपना बहुत अच्छा दोस्त है। तो अभी उसमें एल्विस को मैं जानता हूँ बट कभी बातचीत हुई नहीं है। बट मैंने उसका एक मीम देखा, क्लिप देखा जहाँ पे उसने कुछ बोला बेवकूफ का बच्चा और सामने वाला ट्रिगर हो गया। सामने वाला नहीं पता कौन है वो, सामने वाला ट्रिगर हो गया। भाई मेरे पापा को कैसे बोला, मतलब लोग आज कल ट्रिगर होते हैं। बेवकूफ का बच्चा बोलने पर आदमी पागल बौखला गया, बावली हो गया भाई, बावली कांड बन गया फुल। मेरे बाप को कैसे बोला, कैसे बाप पर मत जा। सॉरी भाई, माफ करे कसम से भे। क्यों होते ऐसे, ऐसे क्यों ट्रिगर होते लोग, मतलब मेरे को लॉजिक जानना इसके पीछे। टू बी ऑनेस्ट ये वही बात होगी ना, घर पे बोल किसी को बोल तूने स्कूल टाइम में छोटे जो बच्चे थे ओए कुत्ते, ओए मेरे को कुत्ते कैसे बोला, तू मेरे को कुत्ता बोल रहा, मतलब तू मेरे पेरेंट्स को कुत्ता बोल रहा है, मतलब मैं कुत्ते का बच्चा। भाई ऐसा मत बोल मेरे को खराब लग गया अंदर से। कम ऑन, छोटे बच्चे थोड़े, क्या बात करते हैं। तो गाइस ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।